सभी कलाकारों का इंट्रोडक्शन है। आजाद नाजरीन, आपने इस नाटक के फनकारों से अदाकारों से इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको एक बात जरूरी बताना चाहूँगा। क्या आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि आतिश जो बाकी आर्टिस्ट है वो जिंदगी के किसी भी पड़ाव तक इस फन को कायम रखेगा। कश्मीर से आने के बाद मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि मेरे गुरु मखनलाल सराफ साहब, जो करीब 55 बरस से इस थिएटर के साथ वाबस्ता हैं, आज रवा दवा और उसी डेडिकेशन, उसी डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से नज़्म दुआ हूँ कि मैं सेहत बख्शे और हौसला बख्शे, ताकि अल्लाह ने जो सलाहियत इनको दी है उसका फैज हम तक पहुँचे। मैं इनको, इनके सामने इसकी इन अदाकारी को अपना सर खम कर, जो फनकार है जिनको आपने देखा इस नाटक में, ये हमारे विरसे की शिनाख्त है। मखनलाल सराफ, बंसीलाल मुर्शिद साहब, शादीलाल कौर, जो मेरे हम असर अदाकार हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है जम्मू में, क्योंकि हर कौम की पहचान उसकी जबान होती है, और ये मिशन का है कि कश्मीरी जबान प्यारी। कुसुम टिको जी, अशोक जाफरानी साहब, अरुणा रोहित राजदा, रोहिता राजदा, डेजी समीक्षा कौर, डॉक्टर फख्र से मैं कहता हूं आज बंसी भुट्टू साहब, प्रेमनाथ छोटा प्रेमनाथ, शादीलाल कौर, दूसरा प्रेमनाथ मेरे गुरु मेरे मोहसिन मखनलाल सराफ साहब, आपको ताज्जुब होगा कि इस नाटक में जो छोटा किरदार निभाया, लॉकेट रोल स्कोर साहब श्रीनगर बैठे मामा जी जनाब गुल जावेद साहब, लाइव डायरेक्टर थे कुलभूषण भाटू साहब, असिस्टेंट का कर रहे थे जयराम मगोत्रा, डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड मेकअप अनिल वारको जी, प्रोडक्शन मैनेजर अशोक जैफरानी, को डायरेक्टर साहिबा भट्ट, ओवरऑल असिस्टेंट शादी लाल कौर। बस आज गुजारिश कर दुआ करूँ इन सारे फनकारन कि मैं रोज इतना ही रवा दवान तो ही मौजूद करा कि सोनी कारवान ब्रोहुल पकनवान। शुक्रिया नवाजी हाजी।